हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिपिका सोशल साइंस क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। आयरन और स्टील इंडस्ट्री का ये पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंस के बारे में, उसकी इंडिया में पोजिशन के बारे में, और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और मिनी स्टील प्लांट के डिफरेंसेस किए थे। अब स्टूडेंट, ये हमारा जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री की सेकेंड पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे लोकेशन फैक्टर, चैलेंजेस और स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो अब देखते हैं हम कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, व्हाट आर द रीजंस। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हर एक इंडस्ट्री में आता है कि कोई भी इंडस्ट्री किसी एरिया में हम इस्टेब्लिश क्यों करते हैं, कौन से फैक्टर्स हम देखते हैं कि जिस वजह से उस इंडस्ट्रीज को वहां पर इस्टेब्लिश किया जाता है। रीजंस आर द सेम, बट हमने उसका क्या चेंज कर दिया, एरिया। क्योंकि एरिया हर इंडस्ट्री का अलग अलग जगह पे होगा। जहां उसको, अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है तो जहां उसको क्लाइमेटिक सुटेबल होगा या उसका रॉ मटेरियल उसको अवेलेबल होगा, तो कुछ फैक्टर्स थे। अब ऐसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री की देखेंगे हम कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में आयरन और स्टील का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन क्यों था। अब जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो कहाँ पर है, नियर बाय है, आसपास वाला एरिया लगता है झारखंड हो गया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन एरियाज को कवर करता है। ये नागपुर नहीं है, दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। अगर आपने 9th क्लास में प्लेट्यूज किए होंगे तो आपको इजिली पता चल जाएगा कि छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर है। अब देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वहां पर क्यों एस्टेब्लिश है। नंबर वन फैक्टर है लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर। जहां पर आयरन कोर की ओर जो है, आयरन ओर का जो कॉस्ट पड़ेगी अगर कम पड़ती है, तो हम अपनी इंडस्ट्री को कहाँ इस्टेब्लिश करेंगे, उसी एरिया में। और छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन ऐसा है जहां पर आयरन ओर की कॉस्ट कम पड़ती है, और वहां पर जो रॉ मटेरियल है हाई ग्रेड रॉ मटेरियल, और जो रॉ मटेरियल मिलता है वो हाई ग्रेड का मिलता है, अच्छी क्वालिटी का मिलता है, इसलिए इंडस्ट्री को वहां पर एस्टेब्लिश किया गया। थर्ड फैक्टर है हमारा चीप लेबर। अब ये रीजन है, इस एरिया में चीप लेबर इजिली मिल जाती है क्योंकि इन एरियाज की पॉपुलेशन ज्यादा है, और जिन एरियाज में पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां पर लेबर की अवेलेबिलिटी भी चीप होती है। फोर्थ हमारा जो इसका रीजन है, दैट इज मार्केट। मार्केट नियर बाय है, मीन्स अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको लेने वाले लोग भी उसी इंडस्ट्रीज में उसी एरिया के आसपास मिल जाते हैं, मार्केट इजिली अवेलेबल हो जाती है। फिफ्थ फैक्टर है हमारा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फैसिलिटी। तो स्टूडेंट, इसके पास हमारी पड़ती है कोलकाता पोर्ट, तो जहाँ से हम इजिली अपने मटेरियल का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी इंडस्ट्री के लिए। आप और रीजंस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर पोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इजिली अवेलेबल हो जाएगा। पावर सप्लाई, क्योंकि जो द मोदर वैली कॉरपोरेशन है वो भी वहाँ इस्टेब्लिश है, जिसकी वजह से उनको इजिली पावर अवेलेबल हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस जो कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, जिसकी वजह से मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। अब स्टूडेंट्स, देखते हैं हम चैलेंजेस के बारे में कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, वट वॉज दैट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज, दो इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आर फुल पोटेंशियल। मीन्स अगर हमारी कंट्री में आयरन और स्टील का प्रोडक्शन हाई लेवल का हो रहा है, फिर भी हमारी कंट्री है वो फुल पोटेंशियली क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रही है, तो उसके रीजन्स हैं, उसके कुछ चैलेंजेस हैं। नंबर वन, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कॉल। मीन्स यहाँ पर अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर ज़्यादा होगी या उसको एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो जो हमारा मटेरियल बनेगा, जो हमारा प्रोडक्शन होगा, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगी। और कुकिंग कॉल है, उसकी अवेलेबिलिटी कम है, जिसकी वजह से आसानी से प्रोडक्शन नहीं हो पाता। सेकेंड रीज़न है हमारा लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कि लेबर उतना जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लेबर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छी तरह से उन्हें क्लियर करना पड़ेगा, उन्हें स्किल्ड बनाना पड़ेगा। तो हमारे इंडिया के वर्कर्स जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो इतने स्किल्ड नहीं है, जिसकी वजह से पर लेबर जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। थर्ड फैक्टर है हमारा इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। यहाँ पर पावर कट्स लगते रहते हैं, जो लोड शेडिंग होती रहती है,
जिसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी के कारण जो हमारा यहाँ इंडिया में आयरन और स्टील इंडस्ट्री है उसको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। नंबर फोर्थ पॉइंट है हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है वो इतना अच्छा नहीं बनाया गया। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी आयरन और स्टील की इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। अब स्टूडेंट्स रीड करेंगे कौन से ऐसे एफर्ट्स हैं जो स्टील प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए किए जाने चाहिए। तो एफर्ट शुड बी मेड टू इम्प्रूव स्टील प्रोडक्शन। नंबर वन, लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज़ गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री। कि अगर फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, लिबरलाइजेशन होता है कि आसानी से हम ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेन के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर आके मनी इन्वेस्ट कर सकती है हमारी इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश करने में, तो उसकी वजह से भी इंडस्ट्री काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। देर इज़ अ नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली। मीन्स ऐसे रिसोर्सेज हमें लगाने चाहिए जो इनोवेटिव हो, मतलब एक ऐसी एसोसिएशन फॉर्म करनी चाहिए जो रिसर्च करे इसके ऊपर, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए ताकि हम अपने जो स्टील को और अच्छे तरीके से उसका प्रोडक्शन कर सकें और जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो सके। थर्ड, वी नीड टू रेगुलराइज द सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर बेटर प्रोडक्शन। अब पहले ये सबसे बड़ा चैलेंज था आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए कि एनर्जी जो है, जो पार है, वो इजिली अवेलेबल नहीं है। अगर उसको हम रेगुलर कर दें तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बेटर हो जाएगा प्रोडक्शन। तो ये फैक्टर्स हैं जिसको इम्प्रूव करना चाहिए, जिसके ऊपर स्ट्रेस देना चाहिए ताकि जो हमारा स्टील प्रोडक्शन है वो एनहेंस हो सके, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। तो स्टूडेंट ये था आपका आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में, और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। इसमें आपकी कुछ इंडस्ट्री कट हो गई हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं वो आपको टीच नहीं कर रही हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। थैंक यू।